बोपो का बाड़ा निवासियों को राशन डीलर नहीं दे रहा राशन, राशन डीलर कर रहा मनमानी। प्रवासी मजदूरों को साल में एक ही बार राशन देने को कह रहा है। महेंद्र कुमार राशन डीलर के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी व प्रदर्शन और लोगों ने प्रशासन से मांग की। उन्होंने बोला इस महीने नहीं मिलेगा, फिर हमने बोला क्यों नहीं मिलेगा, तो उन्होंने जिद्दबेस करने लग गए कि चलो चलो यहाँ से रवाना हो जाओ, ये बोल के रवाना कर दिया। बोले आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो निवासी, हम जबकि यहाँ के रहने वाले हैं, फिर भी मना करते हैं कि नहीं देंगे और साल में एक बार ही मिलेगा आपको। ये महेंद्र कुमार है, नायक बस्ती का रहने वाला है, वहाँ पे दुकान है, वो मना कर रहे हैं कि आप यहाँ के प्राइवेसी को नहीं देंगे, ये साल में एक बार ही मिलेगा। तो पूछ रहे, तो गंदी लैंग्वेज से बात कर रहे, रवाना वो नहीं देंगे, कुछ भी कर लो, करना है जो तुम्हें। ममता आज भी परेशानी तो क्या हुई थी, आज हमारे मोहल्ले की वासी हैं राजू ढलवाल जी, उनकी मिसेज आज राशन लेने गई थी, महेंद्र कुमार राशन वाले हैं जो नायक बस्ती में, तो वो गए तो उनको कहते हैं कि आप प्रवासी हो, आपको साल में एक बार ही गेहूँ दिया जाएगा। जब इन्होंने पूछा कि साल में एक बार देंगे तो हम खाएंगे क्या, तो क्या ये बात आप कलेक्टर के पास जाके बोलो, हमारे को इससे मतलब नहीं है, यहाँ भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है, और चले जाओ। और दुकान के ताला लगाने लग गया, जब उसकी मूवी बनाने मनाने लगे तो दुकान खोल के और दूसरी दुकान में बैठ गया, और आने जाने वालों को जितने भी है उनसे घर पे जाके एडवांस में अंगूठा लगवाते हैं, और उसके बाद में तीन तीन दिन तक उनको गेहूँ नहीं दिया जाता। और वो यही कहता है कि मतलब आप प्रवासी हो तो ये बात बताएं कि मुख्यमंत्री जी से जब गेहूँ मिल रहा है तो प्रवासियों को साल में एक बार मिलेगा, तो ये खुली मजदूरी करने वाले हैं, इनके पतिदेव एम्बुलेंस चलाते हैं, अब धंधे हो नहीं रहे एम्बुलेंस के, तो ये क्या कहाँ खाने जाएंगे। तो इसका मैं आगे कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से जो गेहूँ मिल रहा है राशन वाले सही बिठाए जाएँ, जो जनता जिससे परेशान ना हो, और उन्हें हर चीज़ मुहैया कराया जाए। कोरोना ने वैसे ही सबकी कमर तोड़ रखी है, और ऊपर से राशन वाले अपनी दुकानों में गेहूँ ले लेके बैठे, लेकिन किसी को भी गेहूँ नहीं दे रहे, इनके लिए कार्रवाई की जाए, और जो संतुष्टि से जवाब दे सके वो उनको कहे, बात करें, किसी उपभोक्ताओं को परेशान ना करा जाए। हम यही कहना चाहते हैं कि राशन सही टाइम पे गरीबों को मिल जाए, ये हमारी दरख्वास्त है सरकार से। मेरा नाम हंसराज मावर, बोपोबाड़ा निवासी।